हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रीट ऑफ स्वीट क्रिएशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी डिलीशियस स्ट्रॉबेरी क्रीम की रेसिपी लेकर के आई हूँ। जब हम महाबलेश्वर और पंचगनी गए थे, वहाँ पर मैप्रो गार्डन में मैंने यह स्ट्रॉबेरी क्रीम खाई थी, मुझे बहुत ही टेस्टी लगी थी, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी स्ट्रॉबेरी क्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी क्रीम बनाने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी को पानी में और बेकिंग सोडा में 15 से 20 मिनट डिप करके छोड़ दिया था। उसके बाद वॉश कर लिया अच्छे से। और 1/4 कप नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम, साथ ही यहाँ पर मैंने रोज सिरप लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 स्कूप आइसक्रीम ली है और यह आपके ऊपर है आपको उसमें कितनी आइसक्रीम डालनी है। अब क्या करना है, स्ट्रॉबेरीज के ऊपर की लीव्स को कट कर देना है और पतले पतले स्लाइसेस में स्ट्रॉबेरीज को लंबा कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने बड़ी ही स्ट्रॉबेरीज ली हैं, आप भी बड़ी स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अच्छे से स्लाइस्ड होंगे। अभी स्ट्रॉबेरी को स्लाइस कर लिया है और एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने छोटी सी स्ट्रॉबेरीज ली हैं जिन्हें रफली चॉप किया है। आप चाहें तो बड़ी या छोटी कोई भी स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं, बस इनको रफली चॉप करना है। और ये चॉप करके हो गई है। अभी नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम को बीटर से बीट करेंगे। साइज में डबल हो गई है और बीट हो गई है। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको बीट चला सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है और उसमें पाइपिंग बैग को असेंबल किया है और नोजल भी लिया है। केवल पाइपिंग बैग का ही इस्तेमाल कर सकते हैं और पाइपिंग बैग की जगह यहाँ पर दूध का पॉलिथीन भी यूज़ किया जा सकता है। अभी जो क्रीम बीट की थी उसको मैं पाइपिंग बैग में भर दूँगी। अभी स्ट्रॉबेरी साइज में कट हो गई हैं, रफली भी चॉप कर लिया हमने, साथ ही हमारी क्रीम भी रेडी है। अब बस लास्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। एक ग्लास लिया है मैंने, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून रोज सिरप डाला है और थोड़ा साइड से भी लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। फिर ऊपर से क्रीम को असेंबल किया है। क्रीम असेंबल होने के बाद जो हमने स्लाइस किए थे स्ट्रॉबेरीज वो हम पूरे ग्लास के साइड में डेकोरेट कर देंगे। और फिर ऊपर से जो बारीक चॉप किए थे स्ट्रॉबेरीज उनको भी डाल देंगे ग्लास के ऊपर। और यह आपके ऊपर है आपको कितने स्ट्रॉबेरीज यूज़ करना है या क्रीम ग्लास में डालना है। जैसा आपको टेस्टी लगे वैसा आप उसमें स्ट्रॉबेरीज और क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ना ग्लास कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 स्कूप वनीला आइसक्रीम ली है। आप वनीला आइसक्रीम की जगह स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी ले सकते हैं, उसमें 4 स्कूप या 2 स्कूप जो भी आपकी मर्जी हो आप उतना यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश लिया है, मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी क्रश लिया है इसीलिए वनीला आइसक्रीम ली है। और ऊपर से फिर से क्रीम लगा देंगे और रफली जो चॉप किए हुए हैं और स्लाइस किया हुआ स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट कर देंगे। स्ट्रॉबेरी क्रीम बनकर के तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।